आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज, प्रयागराज मंडलायुक्त की अध्यक्षता में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न। सड़कों के निर्माण कार्य को ससियम पूरा कराने के मंडलायुक्त ने दिए निर्देश। 26 जून 2020 प्रयागराज। मंडलायुक्त प्रयागराज श्री आर रमेश कुमार की अध्यक्षता में गांधी सभागार में निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों से मंडल में बन रहे नई सड़कों की प्रगति के बारे में जानकारी ली एवं उन्हें निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी गाइडलाइन मिली हुई है उसके अनुसार ससियम कार्य पूर्ण करा लें। कोरोना महामारी की वजह से जो प्रगति कार्य रुके हैं उसको तत्काल शुरू कराएं एवं अगली बैठक तक चल रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने 700 ग्रामों में बनने वाली सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों की प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक है लेकिन जिन जिलों में प्रगति रिपोर्ट अपेक्षा के अनुसार नहीं है उसमें तेजी लाएं। उन्होंने मंडल में विभिन्न नदियों पर बनने वाले सेतु के बारे में जानकारी ली और कौशाम्बी एवं फतेहपुर में प्रगति रिपोर्ट अपेक्षा के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्रता से इस कार्य को शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सड़कों की गड्ढा मुक्ति के भी निर्देश पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को दिए। मंडलायुक्त ने मंडल के जिलों में बन रहे सीएससी एवं पीएससी के निर्माण कार्यों के बारे में भी जानकारी ली जिसकी प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक थी। उन्होंने शेष सीएससी व एवं पीएससी के निर्माण में भी तेजी लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मंडलायुक्त ने जलकर एवं गंगा प्रदूषण विभाग के अधिकारियों से पाइपलाइनों के कनेक्टिविटी की रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली एवं कहा कि जिस जिले में प्रगति रिपोर्ट लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो पाई है उसको ससियम पूर्ण करें। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के तहत अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में भी जानकारी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों से अपने स्तर से बैठक करने के निर्देश दिए जिसमें एई जेई एवं कॉन्ट्रैक्टर के साथ बैठकर योजना बनाने के निर्देश दिए। रिपोर्टर फूलचंद यादव, इंडिया आज तक, प्रयागराज। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।